मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं नुसरत, मैं ले आई हूँ आप सबको अपने नुसरत वर्ल्ड में। तो हम लोग आज निकले हैं भुवनेश्वर पे अपने फ़िश मार्केट के लिए। तो यहाँ पे सुबह सुबह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना अच्छा मार्केट लगता है फ़िश का, और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फ़िशेस हैं यहाँ पे। बहुत तरह के फ़िशेस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मैं और मेरी भाभी और हमारे दो बच्चे, हम लोग निकल आए हैं सुबह सुबह फ़िश देखने के लिए। आप देख सकते हैं बच्चे लोग भी फ़िश देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश है, बिकॉज़ ये उन लोग के लिए भी पहला फर्स्ट टाइम है कि इतना सारा फ़िश एक साथ देख रहे हैं वो लोग। तो होप यू विल एन्जॉय माई वीडियो, एंड हम लोग देखते हैं आगे हम लोग क्या क्या ख़रीदते हैं आज। देख सकते हैं कि जैसे कि हर तरह का फ़िश मिलता है यहाँ पे। मैं कुछ फ़िशेस के नाम जानती हूँ और कुछ फ़िशेस के नाम नहीं जानती हूँ। तो यहाँ पे पॉम्फ्रेट है, आपको क्रैब है, और रोहू फ़िश है, भाकुर जिसे बोलते हैं वो भी फ़िश है, और प्रॉन है, और हम लोग को फ़िश भी एक बोलते हैं उड़ीसा में, को फ़िश पानी अखिया। तो इस तरह से बहुत सारे वैरायटीज़ के फ़िशेस हैं यहाँ पे। हर तरह का फ़िश आपको पा जाएंगे, मिल जाएगा आपको, और बहुत ही फ्रेश। पहला चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा फ्रेश फ़िश यहाँ पे मिलता है आपको। कोई भी फ़िश आपको मतलब बासी नहीं मिलता है यहाँ पे, हर कुछ आपको फ्रेश मिल जाता है। और मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं सारे मछली को देखकर, और ये उनका फर्स्ट टाइम है कि इतना सारा फ़िश एक साथ देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो बहुत ही खुश हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे रोहू फ़िश लिया 2 kg में, और थोड़े से प्रॉन भी लिए। हम लोग अपने घर के लिए वापस हो गए, और लंच करके हम लोग ने फिर प्लानिंग किया कि चलो आज शॉपिंग के लिए चलते हैं। तो हम लोग फिर आफ्टरनून में लंच कर हम लोग मार्केट बिल्डिंग भुवनेश्वर के सबसे बड़े मार्केट के लिए निकल गए। के दौरान मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सबको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आगे आगे देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग किया। तो ये मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है भुवनेश्वर का, और यहाँ पे आपको हर तरह के सामान मिल जाएंगे, और ज़्यादातर यहाँ पे ब्राइडल चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, और बच्चों के भी सामान बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं यहाँ पे। ड्रेस हो, सूट्स हो, और या फिर बच्चों के खिलौने हो, बैंगल्स हो, इयररिंग्स हो, हर तरह के सामान आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं प्रीफर करूँगी कि आप सब कभी भी अगर इधर आए, भुवनेश्वर आए, तो ये वाली मार्केट ज़रूर घूम लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ें मिल सकती हैं, और बहुत ही चीप प्राइसेस में मिल जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा रेट यहाँ पे ज़्यादा प्राइसेस नहीं होते हैं यहाँ पे, बहुत ही कम प्राइस लगते हैं इन सभी चीज़ों के। तो आई होप कि आप सब कभी भी मौका मिले तो आप ये मार्केट ज़रूर घूमिएगा, और होपफुली वी हैव एन्जॉयड अ लॉट एंड आवर किड्स ऑल्सो हैव एन्जॉयड अ लॉट। आप सबको ज़रूर ये प्रिफर करूँगी कि आप कभी भी अगर भुवनेश्वर आए तो ये वाले मार्केट में ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये वाला मार्केट बहुत ही फ़ायदेमंद है आप सभी के लिए, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीप रेट में आपको प्राइसेस में अच्छे अच्छे सामान भी मिल जाते हैं, बच्चों के सामान से लेकर बड़ों तक। तो हम लोगों ने अपना जर्नी यहीं पर ख़त्म किया, और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। आई होप कि आपको मेरा ये पहला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूँगी आप लोगों के साथ मेरा नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।